ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी और सोनू चंदा से मशहूर होने वाली अदाकारा इकरा अज़ीज़ अपनी खूबसूरती और अदाकारी की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। इकरा अज़ीज़ के फैंस इस बात को जानकर बहुत खुश होंगे कि इकरा अज़ीज़ का नया ड्रामा बहुत जल्द इन्हें देखने को मिलेगा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई और अपने फैंस को अपने नए आने वाले ड्रामे के मुतल्लिक आगाह किया। आज की इस वीडियो में हम आपको इकरा अज़ीज़ के नए आने वाले ड्रामे के मुतालिक बताएंगे और इसकी कास्ट के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स भी दिखाएंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इकरा अज़ीज़ के इस नए ड्रामे का नाम रकीब से है और इस ड्रामे की कास्ट में इकरा अज़ीज़, नुमान एजाज़, सानिया सईद और फरियाल महमूद समेत बहुत से टैलेंटेड अदाकार शामिल हैं। इकरा अज़ीज़ इस ड्रामे में बहुत डिफरेंट किरदार में नज़र आएंगी। इस ड्रामे के बारे में इकरा अज़ीज़ का कहना है कि लोगों ने मुझे पहले कभी ऐसे किरदार में नहीं देखा। ये सुनकर इनके फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि इकरा हमेशा से ही नए और चैलेंजिंग किरदार करती हुई नज़र आती हैं। इस ड्रामे के डायरेक्टर काशिफ निसार हैं जबकि इस ड्रामे की राइटर बी गुल भी हैं। इससे पहले ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला के डायरेक्टर और राइटर भी काशिफ निसार और बी गुल भी ही थे। इस ड्रामे की राइटर ने खसूसी गुफ्तगू में बताया कि इस ड्रामे की कहानी बहुत उम्दा और हकीकत के करीब है जो कि आजकल के ड्रामास में बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस ड्रामे के किरदार बहुत गैर रवायती हैं। जब सानिया सईद को अपने किरदार के बारे में पता चला तो वो इसे फ़ौरन ही करने के लिए एक्साइटेड हो गईं। रकीब से ड्रामा की शूटिंग जारी है और ये ड्रामा 2020 के एंड में हम टीवी की स्क्रीन से ऑन एयर होगा। इससे पहले इकरा अज़ीज़ ने ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी में नूरी और सोनू चंदा में अज्जा का किरदार करके सबको अपना फ़ैन बना लिया। इसके अलावा वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। इकरा अज़ीज़ ड्रामा सीरियल झूठी में नज़र आई थी और इस साल इनका नया ड्रामा खुदा और मोहब्बत भी बहुत जल्द ऑन एयर होगा। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय से मुतल्लिक हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।